लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। इन सब के बीच पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में मेरठ में आयोजित बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी की जनसभा में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और राज्यसभा सदस्य रहे मुनकाद अली ने विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया। इस दौरान याकूब कुरैशी ने सपा पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव को अतीक की मौत का जिम्मेदार बताया। तो मुसलमानों तो वोट लेने के दम पर आते हो और बाद में काम करता है मुसलमान का तो उसको धोखा दे जाते हो। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि इसको सबक सिखा दो और मुलायम सिंह यादव के बच्चे को अखिलेश यादव को ये जता दो कि मुसलमानों को कहा था कि मैं राजनीति बड़े बड़े लोग बड़े बड़े माफिया योगी को तानक देकर अतीक को मरवा दिया। अभी कुछ दिन पहले एक महीना पहले मुख्तार अंसारी को। वहीं इसके साथ ही याकूब कुरैशी ने कहा कि जब सुनीता वर्मा को मेरठ से मेयर का चुनाव लड़ाया गया था तो सुनीता वर्मा के पति ने मुझसे 25 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए उधार लिए लेकिन आज तक नहीं लौटाया। पूरा इलेक्शन मैंने लड़ाया था, 50 लाख रुपए मैंने खर्च किया था, उसके जीतने के बाद भी रोने लगे और कहने लगे मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत है, मैं 10 दिन में लौटा दूंगा। 25 लाख रुपए मैंने दे दिए, आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर क्या क्या जुल्म किए आप सब जानते हैं, लेकिन उसने आज तक टेलीफोन पे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है या मैं पैसे देने आ रहा हूँ। वहीं याकूब कुरैशी का बयान वायरल होने के बाद जब मीडिया ने बसपा नेता से सवाल किया तो उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने सीएम योगी को विधानसभा में उकसाने का काम किया, इसलिए आज मैं अखिलेश यादव को अतीक और मुख्तार की मौत का जिम्मेदार मानता हूं। अखिलेश ने विधानसभा में योगी जी को, चीफ मिनिस्टर जी को बहकाने का काम किया, उकसाने का काम किया, ताकि उसी में योगी जी ने ऐलान किया था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो मैं इसका जिम्मेदार पूरे मुसलमान अखिलेश को मानते हैं। वहीं अब बसपा नेता का ये बयान इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।